दीपिका पादुकोण ने विशाल भारद्वाज को वापस की फिल्म की साइनिंग अमाउंट। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को आखिरी बार उनके फैंस ने फिल्म पद्मावत में देखा था, जिसके बाद सभी उन्हें विशाल भारद्वाज के साथ अगले प्रोजेक्ट में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मिल रही खबर के मुताबिक ऐसा लगता है जैसे उनके फैंस को फिलहाल उनकी फिल्म देखने के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है यह पूरी खबर। एक जाने माने अखबार में छपी खबर के मुताबिक दीपिका पादुकोण ने विशाल भारद्वाज को उनकी फिल्म का साइनिंग अमाउंट वापस कर दिया है। बात करें इस प्रोजेक्ट की तो इसमें दीपिका एक्टर इरफान खान के साथ नजर आने वाली थी, लेकिन मार्च में इरफान को न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के इलाज के लिए विदेश जाना पड़ा और इस कारण फिल्म होल्ड पर चली गई। वह फिलहाल ब्रिटेन में इलाज करवा रहे हैं। वहीं मिल रही खबर की माने तो इरफान की तबीयत पहले से ठीक है और इस तरह से वे जल्द अपना काम भी शुरू करने वाले हैं। इसी बीच अखबार के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दीपिका ने स्पष्ट रूप से विशाल से कहा है कि वे इरफान के ठीक होने के बाद उनके साथ सहयोग करेगी और उसके बाद राशि वापस कर दी जाएगी। असल में यहां अटकलें भी लगाई जा रही है कि दीपिका अपने बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह के साथ इस नवंबर शादी करने वाली हैं। हालांकि इस मामले पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं दी गई है, न तो दीपिका और न ही भारद्वाज की तरफ से। इस फरवरी में भारद्वाज ने यह बात साफ की थी कि उनकी इस फिल्म का नाम रानी नहीं है और साथ उन्होंने इस बात से भी इनकार किया था कि इस फिल्म की कहानी लेडी माफिया सपना दीदी पर नहीं बनाई जा रही है। जहां तक इरफान के स्वास्थ्य का सवाल है, अगस्त में एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक वे अब ठीक हैं। वहीं न्यूज रिपोर्ट के अनुसार बहुत से फिल्म मेकर इरफान से मिलने पहुंचते रहते हैं। हालांकि 51 वर्षीय अभिनेता ने पिछले महीने सूचित किया था कि वे अपनी चल रही स्थिति के कारण वे गवर्नमेंट के लिए शूट नहीं कर पाएंगे। वहीं इरफान को आखिरी बार फिल्म कारवां में देखा गया था। वहीं दूसरी तरफ विशाल भारद्वाज इसी बीच 28 सितंबर को अपनी नई फिल्म पट्टाखा रिलीज करने के लिए तैयार हैं।